गुड मॉर्निंग एंड आई वेलकम यू स्टूडेंट्स। देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। सबसे पहली बात तो पहला क्वेश्चन यही है कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं व्हाई दे रिप्रोड्यूस, तो ये रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस क्यों करता, सबसे पहला पॉइंट ये है। व्हाट इज द रीजन कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। देखो कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, अगर इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स की मैं बात करूं, इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, तो इनको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए। इफ आई वॉन्ट टू सर्वाइव मुझे क्या क्या चाहिए, आई विल नीड न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन हमारे पास है और रेस्पिरेशन प्रोसेस है और एक्सक्रीशन है, ये सब प्रोसेसेस हम कर रहे हैं। तो सर्वाइव तो इंडिविजुअल कर जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि इंडिविजुअल को सरवाइव करने के लिए कोई रिप्रोड्यूस करना है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर क्या होगा, क्या सिंगल स्पीसीज रहेगा। अब अगर आपने रिप्रोडक्शन नहीं की तो फिर आपको कम्युनिटी, इतने सारे जो पॉपुलेशन कैसे मिलेगी। सो इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच हैव आर देयर, दे ओनली नीड न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। बट If you want to continue the society, if you want to continue life on earth कैसे continue रहेगी, तभी होगी अगर reproduction होगा। तो it is important, large number of organisms belonging to single species, you know what they will do, if they want to continue the species they have to reproduce। तो अब जब ये important है कि हमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं अगर वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, दे हैव टू रिप्रोड्यूस और दे विल गेट एक्सटिंक्शन, तो वो खत्म हो जाएंगे। नहीं तो ऑलरेडी आपको पता है कुछ स्पीसीज लाइफ अर्थ पर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, देर आर स्पीसीज विच नो लॉन्गर एग्जिस्ट, तो उनकी एक्सटिंक्शन हो चुकी है। तो ये बात ये है कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है और क्यों करते हैं, ये पहला क्वेश्चन था हमारा। पहला क्वेश्चन ये था कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्वेश्चन नंबर वन। इसका आंसर हम क्या दे रहे हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं, ऑर्गेनिज्म इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ, तो चेन ऑफ लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, टू पास ऑन इट्स जीन्स विच आर एक्वायर्ड ओवर मिलेनियम। हम लोग जो आज इस स्टेट में हैं, हम ह्यूमन बींग्स के पास इतने सारे ऑर्गन्स हैं, इतने सारे पार्ट्स हैं, वो कोई एक दिन में तो बने नहीं थे। आपको पता है कि कैसे इवोल्यूशन हुई है फ्रॉम सिंगल सेल, तो मिलियन मिलेनिया, कितने मिलियंस ऑफ ईयर्स लग गए हैं ये बॉडी को एक्वायर करने के लिए हमें। और इस समय हम मल्टी सेलुलर और बहुत सी स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन्स हमारे बॉडी में काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिजम्स विल रिप्रोड्यूस टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ, लाइफ की चेन को कंटिन्यू करने के लिए, लाइफ की चेन को कंटिन्यू करने के लिए ऑर्गेनिजम्स होंगे वो रिप्रोड्यूस करेंगे। To pass on its genes which are required, or reproduction is essentially a process by which individuals produce new individuals of the same kind. तो reproduction में हम क्या करते हैं, हम अपने ही जैसे जो है नए individuals को produce करते हैं। तो आपने देखा है same kind जो होते हैं हम उनको reproduce करते हैं in this process. And this process is very important for existence of life on earth. ऐसा क्यों होता है, अगर reproduction नहीं होगी तो life जो है वो मैंने बताया extinction हो जाएगी। तो अगर life को, existence of life के लिए reproduction is must.
एग्जिस्टेंस कब होगी? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ का मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस तभी होगी जब हम रिप्रोडक्शन होगी। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो फिर एग्जिस्टेंस नहीं हो सकती। तो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अदरवाइज देर विल बी नो लाइफ। रिप्रोडक्शन प्रिवेंट्स ऑल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम बिकमिंग एक्सटिंक्ट। मैं यही कह रहा था कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएगा, पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी फॉर कैरिंग आउट लाइफ प्रोसेसेस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो जैसे मेरे को अपने अपने सर्वाइवल के लिए ये जरूरी नहीं है कि मैं रिप्रोड्यूस करूँ। मेरे को तो खाना चाहिए, फूड चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, और जो मैं सांस लेता हूँ और जो एक्सक्रीशन करता हूँ, ये प्रोसेसेस मेरी चलती रहेंगी तो मैं तो सर्वाइव कर ही रहा हूँ। बट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। लेकिन जब पॉपुलेशन की बात होती है तो फिर रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल इन क्रिएटिंग वेरिएशन इन स्पीसीज थ्रू जेनेटिक रिकम्बिनेशन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है कि जब हम रिप्रोड्यूस करते हैं तो वेरिएशन हो जाता है। क्या होता है? वेरिएशन। तो जो देर इज ए वेरिएशन इन द स्पीसीज थ्रू जेनेटिक रिकम्बिनेशन, तो जब जेनेटिक रिकम्बिनेशन होती है तो वेरिएशन होने से क्या होता है कि जो नए स्पीसीज बनते हैं वो अडॉप्ट कर लेते हैं नए एनवायरनमेंट में, या फिर एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, आउटसाइड चीजें चेंज हो रही हैं, तो उनमें वो अडॉप्ट कर लेते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। तो हम ये कह रहे हैं फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, नोट करो इसको स्टूडेंट्स। Reproduction is not essential to maintain life of an organism, but essential to maintain the life on earth. एक आदमी एक के लिए एक organism के लिए, individual organism के लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो reproduce करे, लेकिन reproduction जरूरी है अगर हमने life को earth पे maintain करना है। And perpetuation of species from one generation to another. इससे क्या होता है? एक generation से दूसरे generation में जो है स्पीसीज चलते रहते हैं। तो रिप्रोडक्शन एट इट्स बेसिक लेवल क्या होती है? ए सेलुलर रिप्रोडक्शन इज इन्वॉल्व्ड इन मेकिंग ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर बॉडी डिजाइन। तो जो बॉडी के हमारे डिजाइन होते हैं वो सेलुलर लेवल पर होते हैं और वो सिमिलर या डिसिमिलर होते हैं थ्रू जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ द न्यूक्लियस। तो एक मटेरियल है, आपको पता है जेनेटिक मटेरियल कौन सा जेनेटिक मटेरियल है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर? जेनेटिक मटेरियल कौन सा यूज हो रहा है? डीएनए। तो डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है और ये किसमें प्रेजेंट होता है? दिस इज प्रेजेंट इन द क्रोमोसोम्स ऑफ इट्स न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स ऑफ इट्स न्यूक्लियस में डीएनए होता है। तो यहाँ पर अभी आप और अभी देखने जा रहे हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डीएनए। तो पहला था, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ गया, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। भाई जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, जैसे हमारे जो पेरेंट्स हैं, वो अपने ही सिमिलर टाइप के बच्चे पैदा कर रहे हैं। कोई अगर कोई भी एनिमल भी है तो वो सिमिलर ही बच्चे पैदा करता है, लेकिन क्या वो एग्जैक्ट कॉपीज होती हैं? क्या बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी बनते हैं हम? अब आप अपना देखिए कि हमारे जो फेसेस हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं, वो तो सेम ही है, सिमिलरिटी तो है, लेकिन हम क्या ट्रू और एग्जैक्ट कॉपीज हैं? वो पूरी एग्जैक्ट कॉपीज नहीं है, वेरिएशन होती है। तो ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, हम सिमिलर तो दिख रहे हैं बिकॉज अवर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सिमिलर दिख रहे हैं, मतलब बॉडी डिजाइन जो है वो सिमिलर है। एक एक हर एक का अपना अपना बॉडी डिजाइन है, बॉडी डिजाइन सिमिलर है हमारे, ठीक है। तो द ब्लू प्रिंट ऑफ दिस डिजाइन शुड बी सिमिलर। तो हमारा जो ब्लू प्रिंट है बेसिकली वो सिमिलर है, हम ये कह रहे हैं ब्लू प्रिंट जो है वो सिमिलर है, सिमिलर है। The reproduction at its mostly involve making copies of the blueprints of the body design. तो जब reproduction हो रहा है cellular level पर, basic level पर, तो हम ये कह रहे हैं कि हम ये जो बनेंगे blueprints of the body design बनेंगे।
और क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियर कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए का पूरा क्या नाम है? डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। तो अगर इफ दिस इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। तो अगर ये इंफॉर्मेशन बदल जाए तो प्रोटीन्स भी डिफरेंट होंगे और डिफरेंट प्रोटीन्स जो होंगे वो अल्टर्ड बॉडी डिजाइन को प्रोड्यूस करें। बॉडी का डिजाइन बन रहा है जो वो प्रोटीन्स के कारण बन रहा है। अगर प्रोटीन्स चेंज हो जाएंगी तो बॉडी का डिजाइन भी चेंज हो जाएगा। तो बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। हम ये कह रहे हैं कि जो बेसिक क्या है इवेंट इन रिप्रोडक्शन, बेसिक इवेंट रिप्रोडक्शन में क्या होती है कि हम एक डीएनए की कॉपी बना रहे हैं, प्रोडक्शन ऑफ डीएनए कॉपी। ठीक है, सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ डीएनए। डीएनए की कॉपीज कैसे बनेंगी? जो हमारे बॉडी के सेल्स हैं वो क्या परफॉर्म करते हैं? केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस होंगी हमारे बॉडी के अंदर ताकि डीएनए की कॉपी बने। दीज क्रिएट टू कॉपीज ऑफ डीएनए। तो इससे दो कॉपीज डीएनए की बनती हैं, इन्हें रिप्रोड्यूसिंग सेल, और फिर वो सेपरेट होंगी। देयर वी नीड टू बी सेपरेटेड। ही वर कीपिंग वन कॉपी डीएनए इन ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग द अदर वन वुड नॉट वर्क। तो अब होगा क्या? हम कह रहे हैं डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? यस, कॉपी तो एग्जैक्ट है तभी तो बॉडी डिजाइन एग्जैक्ट है। ऑर्गेनिज्म क्रिएट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स बाय रिप्रोडक्शन प्रोसेस। द रिव इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। तो हमारे ब्लूप्रिंट जो बॉडी डिजाइन के होते हैं वो बनेंगे। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर, ये सिमिलर दिखाई देते हैं बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन्स आर सिमिलर। इफ बॉडी डिजाइन आर सिमिलर द ब्लूप्रिंट्स फॉर दिस शुड बी सिमिलर। दस रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेकिंग कॉपीज ऑफ द ब्लूप्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन। तो जो भी रिप्रोडक्शन हो रही है हम ये कह रहे हैं वो हमारे बॉडी की कॉपी तभी बनेगी जब वो की जो रिप्रोडक्शन है उसमें कौन से सेलुलर इन्वॉल्व है, डीएनए जैसे है। तो बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो ब्लू प्रिंट्स बनेगा रिप्रोडक्शन में, कॉपीज ऑफ द ब्लू प्रिंट्स ऑफ द बॉडी डिजाइन बनेंगी तभी वो सिमिलर दिखेंगे। दस ऑल ऑफ अस हैव सिमिलर ऑर्गन्स। हमारे ऑर्गन्स क्या है? सिमिलर है। जो अगर ऑर्गेन्स को कंपेयर किया जाए तो ऑर्गेन सिमिलर हैं, जो नए प्रोड्यूस हुए हैं, नए ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुए हैं तो उनके ऑर्गेन्स तो हैं उसमें सिमिलर। लेकिन लेकिन क्या कह रहे हैं, नन ऑफ अस इज द सेम। लेकिन हम फिर भी सेम नहीं है, जो मैं हूं और जो मेरे पेरेंट हैं वो बिल्कुल हम दोनों सेम नहीं है, सिमिलर हैं सेम नहीं है। हमारा आई का कलर, ब्लड टाइप, ये सब डिफर हो जाता है। आपने पता होगा, देखा होगा कि आप अपना आईज का कलर देखिए, फेस देखिए, अपने ब्लड को, ब्लड का टाइप देखिए कौन सा है, बी माइनस है, बी प्लस है, ओ है, तो उसमें चेंजेस आएंगी। लेकिन बॉडी का डिजाइन सेम है, बॉडी का डिजाइन सेम है हमारा, क्योंकि वो एक तरीके से बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो एक ब्लू प्रिंट जो है डिजाइन का बनता। अब differences in these traits are due to genetic differences or genetic, तो इसमें genetic variation हो रही है, इसे क्या बोलते हैं? genetic variation। तो हम जो चीज experience कर रहे हैं वो है genetic variation। Though the human gene pool carries alternative alleles that affect blood type and many other trait, other species also have variation in their gene pools. तो genetic ये variation हो जाती है जब नए offsprings पैदा होते हैं। Important point है, this is very important. What we are trying to say. Though all human beings belong to the same species, हम कौन से species को belong करते हैं? Homo sapiens। हमारा कौन सा है? Homo sapiens। तो हम Homo sapiens हैं। The first upright mammal, no two individuals are exactly alike।
इवन आइडेंटिकल ट्विन्स हैव स्लाइट डिफरेंसेस इन देयर डीएनए. तो डिफरेंसेस कहां से आते हैं कि जो डीएनए होगा वो डिफरेंट होगा. व्हाट इज द डीएनए? डीएनए का फुल नाम क्या हमने लिखा है स्टूडेंट्स? डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड. ये है डी ऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड विच कंटेन इंफॉर्मेशन ऑन फॉर एन इनहेरिटेंस ऑफ फीचर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन. तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन है. तो डीएनए जो है इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग प्रोटीन्स. डीएनए जो होता है दिस इज द जेनेटिक मटेरियल. व्हाट इज दिस? इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मेकिंग द प्रोटीन. जो प्रोटीन बनती है उनकी जो सोर्स होती है वो डीएनए है. द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ डीएनए कॉपीज इन रिप्रोड्यूसिंग सेल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन. तो बेसिक इवेंट जो होती है रिप्रोडक्शन में वो क्या होती है? आपने अभी देखा था कि डीएनए रेप्लिकेशन, इसको क्या बोलते हैं? डीएनए रेप्लिकेशन एक प्रोसेस है. तो डीएनए की कॉपी इसको रिप्रोड्यूस किया जाता. व्हेन द सेल डिवाइड्स इनटू ईच न्यू सेल गेट्स ए कॉपी ऑफ ईच डीएनए और क्रोमोसोम अलोंग विद द होल सेलुलर अपरेटस. अब क्या होगा कि जो सेल होता है वो डिवाइड कर जाता है दो नए सेल, जो भी सेल है, और इच हर एक सेल को एक डीएनए कॉपी मिल जाती है और क्रोमोसोम और एक सेलुलर ऑपरेटस भी मिलता है जिसके कारण वो ग्रो करता. कंप्लीट एक्यूरेसी इन डीएनए कॉपी लीड्स टू एग्जैक्टली आइडेंटिकल सेल्स बट एनी एरर इन डुप्लीकेशन कैन लीड टू डिप सिमिलर सेल और वेरिएशन. तो डीएनए जब कॉपिंग होती है वो बिल्कुल एग्जैक्ट अगर हो जाएगी तो दोनों सेम मिलेंगे, और उसमें अगर कोई एरर हो जाएगी तो क्या होगा? तो वेरिएशन हो जाएगी, डिसिमिलर सेल्स मिलेंगे, फिर डिसिमिलर सेल मिलेंगे और वेरिएशन हो जाती है. इसको भी नोट कर लो, इसको भी नोट कर लो. डीएनए जो है वो बेसिक इवेंट है. तो हमें इस बात का पता लगा कि रिप्रोडक्शन जो है वो क्यों होती है. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगी तो एक्सटिंक्शन हो जाएगी लाइफ की. लाइफ विल अंडरगो एक्सटिंक्शन. इंडिविजुअल्स तो सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उनकी बेसिक डिमांड्स क्या है? न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, फूड है, ऑक्सीजन है, वाटर है, रेस्पिरेशन, ये सब चीजें उनको मिल रही हैं. लेकिन टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी. और रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिमिलर टाइप ऑफ बॉडी डिजाइन रिप्रोड्यूस होता है. सिमिलर टाइप तभी प्रोड्यूस होगा जब डीएनए रेप्लिकेशन होगा. डीएनए रेप्लिकेशन होगा तो अगर डीएनए रेप्लिकेशन में जब होता है तो एक सेल दो में डिवाइड हो जाते हैं और उसके बाद फिर एक सेलुलर अपरेटस भी होता है जिससे वो पूरी फॉर्मेशन होती है. तो अगर डीएनए में एरर आ जाएगी तो फिर क्या होगा? तो डिसिमिलर सेल्स हो जाएंगे, उसी वेरिएशंस कहते हैं, उसे ही वेरिएशन कहते हैं. हम फिर क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं द बेसिक इवेंट इन रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी. तो बेसिक इवेंट है कि डीएनए की कॉपी बनेगी. सेल्स यूज केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए. तो सेल्स में केमिकल रिएक्शंस होती है. क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस. दिस क्रिएट्स टू कॉपीज ऑफ डीएनए इन रिप्रोड्यूसिंग सेल एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. तो दो कॉपीज बन जाती हैं, फिर वो सेपरेट होती हैं. हाउएवर कीपिंग वन कॉपी ऑफ डीएनए इन ओरिजिनल सेल एंड सिंपली पुशिंग अदर वुड नॉट वर्क बिकॉज द कॉपी पुश्ड आउट वुड नॉट हैव एनी ऑर्गेनाइज्ड सेलुलर स्ट्रक्चर. जो कॉपी आपने दी है उसके पास ऑर्गेनाइज सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं है फॉर मेंटेनिंग लाइफ प्रोसेसेस. देयरफॉर डीएनए कॉपी इज कंप्लीट बाय क्रिएशन ऑफ एडिशनल सेलुलर ऑपरेटर्स. कॉपी के साथ साथ एक सेलुलर ऑपरेटर्स भी बनता है एंड देन डीएनए कॉपी सेपरेट विद इट्स ओन सेलुलर ऑपरेटर्स. इफेक्टिवली ए सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल्स. तो हर एक के पास क्या है? जो भी दो डीएनए कॉपी सेपरेट हो गई उनके पास एक अपना सेलुलर ऑपरेटर्स होता है. They have their own cellular operators. तो वो क्या करता है? सेल डिवाइड हो जाता है टू सेल्स में. उसके बाद क्या होगा? अब जो दो सेल हैं, they are of course similar, but they are likely to be absolute. Are they likely to be absolutely identical?
द आंसर ऑफ क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व अकर्स. नो बायोकेमिकल रिएक्शन इज एब्सोल्यूटली रिलायबल. अब बायोकेमिकल रिएक्शन से जो कॉपी बन रही है तो वो इसलिए बायोकेमिकल जो रिएक्शंस होती हैं उसके रिजल्ट से ये हो रहा है सारा. इट इज एक्सपेक्टेड दैट प्रोसेस ऑफ कॉपिंग डीएनए विल हैव सम वेरिएशन एट ईच टाइम. होता क्या है कि कुछ ना कुछ वेरिएशन हो जाती है एट एवरी पॉइंट. व्हाट इज हैपनिंग द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग द डीएनए विल हैव सम वेरिएशन. सम वेरिएशन टेक्स प्लेस इन द डीएनए एवरी टाइम. एवरी टाइम क्या होती है सम वेरिएशंस. तो उसका रिजल्ट क्या होगा डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर. डीएनए कॉपीज विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. बट नॉट आइडेंटिकल ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिमिलर तो होंगी लेकिन वो आइडेंटिकल नॉट आइडेंटिकल टू ओरिजिनल. तो ओरिजिनल के बिल्कुल जैसी नहीं होंगी कुछ वेरिएशन हो जाएगी. तो दे विल बी सिमिलर. दे आर सिमिलर बट देर विल बी वेरिएशंस बट दे आर नॉट आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल. तो ओरिजिनल के आइडेंटिकल वो नहीं है. फिर इसका रिजल्ट क्या होगा सम ऑफ दिस वेरिएशन. तो अगर वेरिएशन बहुत ज्यादा ड्रास्टिक हो गई तो वेरिएशन हो रही है. हम ये कह रहे हैं वेरिएशंस विल टेक प्लेस. क्या होता है वेरिएशन हो जाती है. लेकिन अगर वेरिएशन बहुत ड्रास्टिक हो गई क्या होगा फिर तो फिर क्या होगा अगर वेरिएशन बहुत ड्रास्टिक हो जाएगी देन न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर ऑपरेटर्स इट हैड. तो इसको एक सेलुलर ऑपरेटर्स भी मिलता है. क्या मिलता है सेलुलर ऑपरेटर्स टू वर्क. तो अगर वेरिएशन बहुत ही ड्रास्टिक हो गई इफ देयर विल बी अ ड्रास्टिक मतलब लार्ज वेरिएशन देन दिस सेलुलर ऑपरेटर्स कैन नॉट वर्क. दिस सेलुलर ऑपरेटर्स कैन नॉट वर्क. तो क्या होगा फिर क्या होगा वो फिर एग्जिस्ट ही नहीं करेगी डाई हो जाएगी. सो सच ए न्यू बॉर्न सेल विल डाई. तो ऐसा जो नया बॉर्न सेल होगा वो क्या होगा वो डाई कर जाएगा. तो जो न्यू बॉर्न सेल होगा देन इट विल डाई. तो हम ये कह रहे हैं कि वेरिएशन तो होगी लेकिन इतनी ड्रास्टिक वेरिएशन नहीं होगी कि वो सेलुलर ऑपरेटर्स में मतलब वर्क ना कर सके इनहेरिट ना कर सके तो फिर वो डेथ हो जाएगा. तो ऑन दी अदर हैंड देयर कुड स्टिल बी मैनी अदर वेरिएशन इन डीएनए कॉपीज दैट विल नॉट लीड टू सच ए ड्रास्टिक आउटकम. तो वेरिएशन होगी पर बहुत ड्रास्टिक नहीं होगी. ठीक है. द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर बट सबटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. तो जो सर्वाइविंग सेल्स होते हैं स्टूडेंट्स वो सिमिलर तो होते हैं लेकिन नॉट आइडेंटिकल. आइडेंटिकल नहीं होते. बात समझ में आ गई. क्योंकि वेरिएशन हो जाती है. बहुत ज्यादा वेरिएशन होगी तो फिर मर जाएंगे. और जो डीएनए की कॉपीज हो रही हैं आपके सामने उसमें वेरिएशन आएगी क्योंकि एरर होती हैं और नए जो है वेरिएशंस जो है क्रिएट होती हैं. उसी के कारण जो है लाइफ कंटिन्यू रहती है. अभी हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन क्या. सेकंड क्वेश्चन ये आ गया इसमें. क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर वन था हमारा. हमने क्वेश्चन नंबर वन किया व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. तो आपने बताया कि ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस करते हैं उसका मेन रीजन क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करते हैं. ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूसिंग व्हाई द ऑर्गेनिजम्स आर रिप्रोड्यूसिंग.
तो ऑर्गेनिजम्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो तो आपने देख लिया कि उसका रीजन क्या है टू कंटिन्यू द चेन ऑफ लाइफ. ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस बट दो इट इज नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल्स टू रिप्रोड्यूस टू सर्वाइव. तो पॉपुलेशन तभी मिलेगी जब रिप्रोडक्शन होती रहेगी. दूसरा रीजन ये है कि रिप्रोडक्शन इसलिए होती है बिकॉज उसमें वेरिएशन हो जाती है. अब वेरिएशन का क्या इंपॉर्टेंस है ये देखना है. क्वेश्चन नंबर टू, व्हाई वेरिएशन, ठीक है, व्हाई वेरिएशन, वेरिएशन क्यों होती है एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन. देखो एवोल्यूशन क्या होता है, एवोल्यूशन क्या होता है, हम कैसे बने हैं, हम इवॉल्व हुए हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. और जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो गया, ड्रास्टिक कंडीशंस चेंज हो गई, तो जो ऑर्गेनिज्म है उसको सर्वाइव करने के लिए अडॉप्ट करना पड़ता है, अडॉप्ट करना पड़ता है, चेंजेस करनी पड़ती है. तो मान लो 100 सेल, 100 थे, 100 एज्यूम करें उसमें थे, तो जब एनवायरमेंटल बहुत ज्यादा चेंज हो गया तो उसमें से 90 तो डाई कर गए, 10 बचे, तो वो जो 10 थे वो अडॉप्ट कर रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं, मतलब वेरिएशन है उनमें, वेरिएशन हो जाती है जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं तो उनमें वेरिएशन हो जाती है, वो वेरिएशन अडॉप्ट कर लेती है उस एनवायरमेंट. तो इस तरह से वो फिर चेन ऑफ लाइफ कंटिन्यूसली चलती रहती है. हर वेरिएशन नहीं होगी तो फिर वो क्या होगा, वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वेरिएशन इज रिक्वायर्ड. तो यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, व्हाट इज व्हाई वेरिएशन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है. वेरिएशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज इट कॉजेज एवोल्यूशन, दैट इज एंड इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. तो वेरिएशन के कारण ही एवोल्यूशन होती है, विच इज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी. इट इज एडवांटेजियस टू ए पॉपुलेशन एज इट इनेबल्स फ्यू इंडिविजुअल्स टू अडॉप्ट टू द एनवायरमेंट चेंजेस, दस एनेबलिंग द सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन. एज आई सेड कि आपके अंदर वेरिएशन होती रहती है, जो न्यू स्पीसीज बॉर्न होते हैं ताकि वो जो एनवायरमेंट चेंजेस हो रही हैं उनमें अडॉप्ट कर सके. तो वो अनेबल करते हैं कि फ्यू ऑफ देम टू सर्वाइव, और इस तरह से पॉपुलेशन चलती रहती है. वेरिएशंस ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन अनेबल द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज टू गेट अडॉप्टेड इजिली इजिली टू ए पर्टिकुलर इनहेबिटिंग प्लेस और निक. तो कोई भी इनहेबिटिंग प्लेस है उसका एक टेम्परेचर होता है, प्रेशर होता है, एनवायरमेंट होता है, कंडीशंस होती हैं, तो उसमें अडॉप्ट करना बहुत जरूरी होता है, तभी तो वो सर्वाइव करता है स्पीसीज. बहुत हाई टेम्परेचर हो गया कि कहीं तो उसमें सारे स्पीसीज तो सर्वाइव नहीं कर सकते, बहुत लो टेम्परेचर हो गया तो सारे स्पीसीज सर्वाइव नहीं कर सकते. पानी के अंदर कुछ स्पीसीज सर्वाइव करते हैं, आपने देखा. तो ये सारी जो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है तो फिर उनकी अडॉप्टेबिलिटी चाहिए. तो अडॉप्टेबिलिटी तभी होगी, अडॉप्टेबिलिटी कैसे होगी, अगर वेरिएशन होगी. तो वेरिएशन के कारण ही आप इतने सारे स्पीसीज देख रहे हैं. कितने आप स्पीसीज कहते हैं कि मिलियंस ऑफ स्पीसीज आर देयर, 10 मिलियन है मान लीजिए, और उसमें से 1.6 और 1.7 यू मैन आइडेंटिफाइड. तो इतने सारे स्पीसीज हैं, इतनी मतलब वेरिएशन हुई है, तभी तो ये अडॉप्ट कर सकते हैं. कोई पानी में, कोई हाई टेम्परेचर पर, कोई लोई पर, कोई कोई आइस में रहते हैं. तो ये सारी चीजें अडॉप्टेबिलिटी के ऊपर है, और ये वेरिएशन हो रही है तभी है. हेंस रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज. तो रिप्रोडक्शन इसलिए भी होता ताकि जो स्पीसीज है वो स्टेबल हो जाते हैं. जो निच चेंजेस है, जैसे मैंने कहा निच चेंजेस मतलब एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, ये इनहेबिटिंग इनहेबिटिंग प्लेस जो है, यहाँ पे टेम्परेचर, प्रेशर, कई चीजें चेंज हो रही है, कहीं वाटर हो गया, कहीं ड्राई हो गए एरियाज, तो इस तरह से सारी चेंजेस हो रही हैं. तो डिफरेंट स्पीसीज जो हैं ड्यू टू वेरिएशन आर एबल टू सर्वाइव. तो ये रिप्रोडक्शन इसलिए भी हुई थी ऊपर जो हमने पूछा, ताकि स्टेबिलिटी मिल जाती है पॉपुलेशन को, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होती है तो वेरिएशन भी हो जाती है. मतलब वी आर सिमिलर बट नॉट एग्जैक्टली आइडेंटिकल न्यू बॉर्न जो होते हैं. तो स्ट्रॉन्गर वेरिएशन आर यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम.
तो स्ट्रॉन्गर वेरिएशंस हो जाती हैं जो सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, अनेबल द ऑर्गेनिज्म टू टाइड ओवर ड्रास्टिक अल्टरेशन इन देयर हैबिटेट। तो कई बार हैबिटेट्स में ड्रास्टिक चेंजेस हो जाते हैं, हैबिटेट्स जो होते हैं, जो हमने निका बोला, इसमें क्या होती है, ड्रास्टिक चेंजेस हो गई, टेम्परेचर होते हैं, प्रेशर होते हैं, वाटर वाटर बॉडीज हैं इस तरह से, तो उनमें कैसे वो एग्जिस्ट करेंगे, दैट बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस। तो स्ट्रॉन्गर वेरिएशन भी हो जाती है, तो फिर वो एसी चेंजेस में जो स्पीसीज हैं वो एग्जिस्ट कर पाते हैं। तो सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिप्रोडक्शन से ही वेरिएशन होती रहती है, और वेरिएशन इज द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन। वेरिएशन क्यों हुई, वेरिएशन के कारण ही एवोल्यूशन होती है, और वो पॉपुलेशन स्टेबल हो जाती है। क्या होती है, स्टेबल हो जाती है। तो फिर हम ये कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो वेरिएशन इन बायोलॉजी है, क्या कह रहे हैं, वेरिएशन इन बायोलॉजी एनी डिफरेंस बिटवीन सेल्स इंडिविजुअल और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ एनी स्पीसी कास्ट आइदर बाय जेनेटिक डिफरेंसेस और बाय द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक पोटेंशियल। वेरिएशन कैन बी शोन इन द अपीयरेंस, मेटाबॉलिज्म, फर्टिलिटी, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिहेवियर, लर्निंग, मेंटल एंड अदर ऑब्वियस मेजरेबल फैक्टर्स। तो हमारे को वेरिएशन कहाँ दिखती है, आपके फिजिकल चेंजेस बॉडी में हो जाती हैं, अपीयरेंस डिफरेंट हो जाती है, मेटाबॉलिज्म डिफरेंट हो जाता है, लर्निंग और मेंटल एबिलिटी डिफरेंट हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बायो में, इसी वेरिएशन कहते हैं, ये वेरिएशन हो रही है। तो हम व्हाट वी आर ट्राइंग टू से, पॉपुलेशंस ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस और निकीज इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। दे हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। कंसिस्टेंसी ऑफ डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर्स that allow organ to use that particular nick. तो particular environment जो होता है उसमें उनको एक body का design चाहिए होता है। जो sea में species रहते हैं उनका body का design अपना है, एक different है, जिसके कारण वो वहाँ survive कर सकते हैं। और जो high temperature पे रहते हैं उनका भी एक body design है, जो low temperature पे रहते हैं उनका भी एक body design है, और जो soil earth के नीचे बहुत सारे organism चल रहे हैं उनका भी एक body design है। तो उनकी कंसिस्टेंसी जो डीएनए कॉपिंग की होगी रिप्रोडक्शन के टाइम, वो नेसेसरी है, तभी तो वो अपना बॉडी का डिजाइन मेंटेन करेंगे। रिप्रोडक्शन इज लिंक्ड टू देयरफॉर स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। तो हमने जो क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई रिप्रोडक्शन, बिकॉज दिस रिप्रोडक्शन प्रोवाइड स्टेबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, however nikis can change because of reason beyond the control of the organisms, lekin environment change ho sakta hai aur hota bhi hai, to hamare paas to koi control hai nahi. Temperatures on earth can go up and down, water levels can vary, there could be meteorite hits, to think of few examples. Pehle to pata hai dinosaurs hote the, to dinosaurs ki population extinct ho gayi, कैसे एक्सटेंट हुई इसकी भी कोई हिस्ट्री है, क्या चेंजेस आई, ऐसी चेंजेस आई निकी अरे जिसे निकी चेंजेस कहते हैं, ऐसी चेंजेस आई कि वो पॉपुलेशन अब है ही नहीं, क्या टेम्परेचर, क्या प्रेशर, क्या वाटर, क्या मेटराइट गिरा, क्या गिरा, तो ऐसी चेंजेस हुई जिसके कारण वो एक्सटिंक्शन हो गई। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स वर सूटेड टू ए पर्टिकुलर निकी and if the nikki were drastically altered the population could be wiped out. agar bahut drastic changes ho jati hai to kya hoga, fir log mar, population wipe ho jayegi. hum human beings hain, jaise agar hum bahut high temperature pe chale jaye to kya hoga, fir hum survive kar sakte hain? no. agar hum bahut low temperature par aa jaye
तो आपने देखा है बहुत सर्दी में भी लोग मर जाते हैं और बहुत गर्मी में भी बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, क्योंकि अडॉप्टेशन चाहिए। हर हर हमारा एक बॉडी डिजाइन है, हम अंडर सर्टेन कंडीशंस वर्क कर सकते हैं। अगर वेदर कंडीशंस हमारी बहुत ज्यादा चेंज हो गई ड्रास्टिकली, तो हमारी बॉडी का थर्मोस्टेट जो है टेम्परेचर नहीं ले पाएगा और हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। ऑलरेडी ऐसे केसेस आपने सुने हैं, मास एक्सटिंक्शन ऑन अर्थ हुए थे ड्यू टू एनवायरमेंटल चेंजेस। टेम्परेचर बहुत कम हो गया, या अभी भी आप कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा तो फिर डेंजर हो गया। तो ये एनवायरमेंटल चेंजेस हो रही हैं और वेरिएशन होती हैं, इसी के कारण स्टेबिलिटी मिलती है पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज को। लेकिन बहुत ड्रास्टिक चेंजेस हैं तो फिर क्या होगा, फिर और मुश्किल हो जाएगी। इफ सम वेरिएशंस वर टू बी प्रेजेंट इन फ्यू इंडिविजुअल्स इन दिस पॉपुलेशन, देयर वुड बी सम चांस फॉर देम टू सर्वाइव। तो सारी पॉपुलेशन में जिन पे वेरिएशन हो गया तो वो तो सरवाइव कर सकते हैं, जिन में नहीं हुआ वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे, मर जाते हैं। दस इफ देर वार ए पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया, अगर बैक्टीरिया की कोई पॉपुलेशन है लिविंग इन टेम्परेट वाटर्स, टेम्परेट वाटर्स में वो रहते हैं, एंड इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर टू बी इंक्रीज बाई ग्लोबल वार्मिंग। अब वो टेम्परेचर होता है पानी के अंदर जिसके ऊपर कुछ बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं। अब मान लो ग्लोबल वार्मिंग हो गई और टेम्परेचर जो है राइज कर गया वाटर्स का, तो क्या होगा, ज्यादातर बैक्टीरिया मर जाएंगे। लेकिन फ्यू वेरिएंट्स हो जाते हैं, वेरिएंट्स पैदा हो जाते हैं, तो जब वेरिएंट्स होते हैं ये सरवाइव कर लेते हैं। क्या होता है वेरिएंट्स को, वेरिएंट सरवाइव। अभी भी क्या हो रहा है, डेल्टा का वेरिएंट आ रहा है कोविड का, वेरिएंट वेरिएशन हो रही है, वेरिएंट आ रहे हैं ओमिक्रॉन और ये। इस तरह से कोई भी चीज है, बैक्टीरिया है तो उनका भी वेरिएंट होता रहता है, विद चेंज इन निकी, चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन। तो फ्यू रेजिस्टेंट टू हीट वुड सरवाइव एंड ग्रो फर्दर। तो उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो रेजिस्टेंट टू हीट होंगे, वो बच जाएंगे, बाकी मर जाएंगे अगर टेम्परेचर बढ़ गया। तो वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन का पता लगा, वेरिएशन क्यों होती है, वेरिएशन इज यूजफुल फॉर सर्वाइवल ऑफ स्पीसीज ओवर टाइम, तो इसी के कारण सर्वाइव हो जाती है स्पीसीज की ओवर टाइम, वेरिएशन के कारण। तो समझ में आया कि बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट्स हमने बताया आपको, पहला तो रिप्रोडक्शन क्यों होती है, और दूसरा पॉइंट क्या बताया कि जो रिप्रोडक्शन होती है, जो रिप्रोडक्शन होती है आपने देखा वो वेरिएशन क्यों होती है। वेरिएशन नहीं होगी तो स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी स्पीसीज को और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्या होगा उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, तो स्पीसीज का सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। और जैसे चेंजेस होंगी एनवायरनमेंट में, निके कहते हैं जैसे भी, तो फिर उनके अंदर स्टेबिलिटी नहीं होगी, ज्यादातर पॉपुलेशन डाई कर जाएगी। अब पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ गया जो अभी तक हमने पढ़ा, कि वो कह रहा है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। आपके बुक का पहला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके पास 2 मिनट का टाइम है इसको आंसर करने के लिए। क्वेश्चन, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। What is the importance of this DNA copying की क्या importance है? जब reproduction होती है, DNA copying होती है, उसकी importance बतानी है। Answer, what is your answer students? आपका क्या answer है?
You have 2 minutes to answer the question, students. क्या आंसर दोगे इसका? फर्स्ट क्या करती है? इट मेंटेन्स करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पीसीज. कोई भी न्यू स्पीसीज है, कोई भी स्पीसीज है, उसके कोई करैक्टरिस्टिक्स हैं, उसको कैसे मेंटेन करोगे? करैक्टरिस्टिक्स को कैसे मेंटेन करोगे? ओनली बाय डीएनए कॉपिंग. और क्या होता है? इट मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ. तो ये कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करती है. नेक्स्ट क्या होता है? Characteristics and features of organisms are transferred to their progeny. तो डीएनए कॉपिंग से क्या होता है? डीएनए कॉपिंग से क्या होता है? ये डीएनए कॉपिंग से सारा होता है. ठीक है. From this characteristics and features of organisms, features of organisms are transformed, to their progeny. तो ये फीचर्स को, बॉडी डिजाइन को ट्रांसफॉर्म कर देगा. और क्या किया था? डीएनए कॉपिंग से क्या हो रहा था? जब डीएनए कॉपी हुई रिप्रोडक्शन में, इट प्रोड्यूसेस वेरिएशंस. ये क्या प्रोड्यूस करता है? वेरिएशंस. ठीक है. इन ऑर्गेनिजम्स. इन ऑर्गेनिज्म This is the basis of evolution of new species. So ye basis hai evolution ka. Evolution is necessary for the survival of the species. Ye aapne dekha tha. Note kar lo sare points. नोट कर लिया सारा? आगे चल रहे हैं फिर. क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 2 मिनट का वक्त है, इसका आंसर बताइए. आपको पता है कि इंडिविजुअल सर्वाइवर के लिए, फॉर इंडिविजुअल सर्वाइवल, बेसिक फंक्शंस क्या है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या है? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस क्या है? व्हाट इज एसेंशियल लाइफ प्रोसेस? एसेंशियल लाइफ प्रोसेस में क्या चाहिए आपको? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन. न्यूट्रिशन चाहिए, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन. तो इंडिविजुअल तो बच जाएगा अपने, अगर ये तीनों चीजें उसे मिल जाएंगी. इट इज नॉट नेसेसरी
कि उसे क्रिएट करना है मोर इंडिविजुअल. इंडिविजुअल कैन सर्वाइव, ठीक है, विदाउट रिप्रोड्यूसिंग. लेकिन अगर आपने कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ मेंटेन करनी है, इफ यू वांट लाइफ टू बी मेंटेन ऑन द लाइफ कंटिन्यू रहे, एक्सटिंक्ट ना हो, देन व्हाट हैपेंस, तो उनके लिए आपको क्या होगा, वेरिएशन जो है वो जरूरी है. वेरिएशन बेनिफिशियल है. तो वेरियस पॉपुलेशंस, वेरियस पॉपुलेशंस, जो भी पॉपुलेशंस है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरैक्ट विद मैनी इकोलॉजिकल नीचीज, इंटरैक्ट विद मैनी इकोलॉजिकल निकीज. इकोलॉजिकल निकीज मतलब जो वेदर, जो भी कंडीशन चेंज हो रही है उनके साथ वो इंटरेक्ट करती हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सर्वाइव इन ए गिवन कंडीशन. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सर्वाइव, इंपॉर्टेंट फॉर देम टू सर्वाइव, ठीक है, इन गिवन कंडीशन. तो कंडीशन चेंज हो जाती है तो उसमें सर्वाइव कैसे करेंगी. फिर बहुत ड्रास्टिंग चेंजेस होती जा रही है. इन केस ऑफ एनी डैमेज कॉज्ड टू इकोलॉजिकल कंडीशंस ऑफ द पॉपुलेशन, इन केस ऑफ एनी डैमेज कॉज्ड, ठीक है, डैमेज कॉज्ड टू ecological conditions, what will happen? The population gets adversely affected. बहुत ज्यादा changes हो जाएंगी तो population adversely affected हो जाएगी. तो इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म बचेंगे, कौन से मरेंगे? तो ड्यू टू वेरिएशन इन रिप्रोडक्शन, फ्यू स्पीसीज, ठीक है, क्या होगा, ड्यू टू वेरिएशन फ्यू स्पीसीज का क्या होगा, आर फ्यू स्पीसीज आर एबल टू सर्वाइव, ठीक है, may be adopted to varied conditions. Nikkei, varied conditions or Nikkei. तो जो few species हैं वो क्या कर लेंगी, variation के कारण adopt कर लेंगी, hence are able to survive, and the survived species can continue the life. So the surviving species can reproduce organism species which can adapt to changing conditions.
Therefore, what we are trying to say कि it is beneficial. तो ये बहुत beneficial हो गया. Otherwise क्या होगा कि survival जो होगा बहुत tough हो जाएगा. Survival of the population will become very difficult as the ecological conditions keep on changing. And it is because of the variation that the population survives. तो ये समझ में आ गया तुम्हें. ये फर्स्ट पार्ट था. दो इंपॉर्टेंट बातें हमने इसमें डिस्कस की. टेक अवे क्या है कि व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस. अगर रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो क्या होगा? फिर पॉपुलेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगी. तो लाइफ विल ऑल्सो अंडरगो एक्सटिंक्शन. ये जरूरी है. और फिर ये जब रिप्रोडक्शन होती है तो इसमें वेरिएशन हो जाती है. तो ये एग्जैक्टली सिमिलर, वी आर गेटिंग डीएनए कॉपी टू गेट द सेम डिजाइन, सिमिलर डिजाइन. सिमिलर डिजाइन मिलता है हमारे पास, सिमिलर ऑर्गेन्स हैं, बट दे आर नॉट आइडेंटिकल. जो न्यू ऑफस्प्रिंग हैं दे आर नॉट आइडेंटिकल. सम वेरिएशन टेक्स प्लेस. तो वेरिएशन प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन. And because environmental and nature are changing, so some amount of population, some percentage of population survives the changes, and then they can reproduce and continue life. This is how the life proceeds. So, फिर इसके आगे हम next आपको मिलेंगे और discuss करेंगे further. बहुत important topic है और जो भी important है वो सारी चीजें reproduce होंगी कि modes of reproduction हम discuss करेंगे. कैसे रिप्रोड्यूस होते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन के मोड्स क्या हैं, कैसे रिप्रोडक्शन होती है. तो सिंगल ऑर्गेनिजम्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और हम ह्यूमन बीइंग्स जैसे हम सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं. तो इनके बारे में हम सब डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, फिर मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट क्लास में.